हेलो फ्रेंड्स, मेरा नया चैलेंज जिसका नाम है एक सबक, उसमें आप सबका स्वागत है। आपसे जाने अनजाने में गलती हो गई या जानबूझ के भी आपने किया, किसी का मन दुखा कर आ गए। उस टाइम तो आपने सोचा नहीं, जो मुंह में आया बोलते गए। आपने बड़े छोटे का इलाज नहीं किया, आपने चार लोग खड़े थे वो नहीं सोचा, आपने उसका उनका मन दुखाया, उनकी आँख में आंसू आए। और मैं इतना कहूँगी कि अब आपको दुख हो रहा है और आप पछता रहे हैं, तो मैं फिर भी कहूँगी कि आप एक अच्छे इंसान हैं। और यह आपको लगता है वो सीन आपके साथ, जो सीन आप क्रिएट करके आए थे, वो सीन आपके सामने आता है और आपको लगता है कि हाँ वाकई मैंने गलत किया। अगर किसी ने मुझे ऐसे कहा होता तो मैंने क्या किया होता। अगर ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आ रही हैं तो देर मत कीजिए। अगर आपको मैं एक एस्ट्रोलॉजी वाइज बात बताऊँ तो शनिदेव भगवान तो कहते हैं कि अपने से गरीब इंसान का भी मन मत दुखाओ, क्योंकि वो उसे भी माफ़ नहीं करते जिसने इसका मन दुखाया होता है। तो आप तो पता नहीं शायद अपने से बड़े का मन दुखा के आए हैं या अपने बराबर वाले का मन दुखा कर आए हैं, तो आप तो बहुत बड़े भागी हैं मेरे हिसाब से। तो अगर आपके मन में वो पछतावा आ रहा है या वो सीन आता है आपके मन में, तो मैं कहूँगी बिल्कुल देर मत करिए, फ़ोन उठाइए और सॉरी मांग लीजिए, सॉरी बोल के माफ़ी मांग लीजिए। या देर मत करिए, जाइए उनके घर, फेस टू फेस माफ़ी मांग लो। या आपको लगता है कि नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा किसी भी तरह टच में रहना फ़ोन से या फेस टू फेस से, तो आजकल तो व्हाट्सएप का ज़माना है, आप व्हाट्सएप पर सॉरी बोल दीजिए, फिर देखिए कमाल। अब आपको मैं बताती हूँ इसके फ़ायदे क्या होंगे आपको। देखो, जो आप माफ़ी मांगेंगे ना, आपके मन से एक बोझ उतरेगा, आपकी डिग्निटी वापस आएगी, आपकी इज्जत आपको वापस मिलेगी। सबसे बड़ी बात, जो रिश्ते में दरार आ गई है वो रिश्ता मजबूत हो जाएगा। सो प्लीज़ बिल्कुल मत सोचिए। मैं आपको बार बार कहूँगी कि अगर शनिदेव की बात मैं दोबारा दोहराती हूँ कि शनिदेव भगवान, जो भी हम गलत काम करते हैं शनिदेव भगवान हमें उसका दंड देते हैं। वो तो ये कहते हैं, यहाँ तक कहते हैं किसी गरीब तक का मन मत दुखाओ। तो आपने तो पता नहीं अपनी जान पहचान में किसका मन दुखाया। तो माफ़ी मांगिए, देर मत कीजिए। थैंक यू।